गुड मॉर्निंग गाइस, आई जस्ट सो के उठे हैं। सो टाइम हो गया है 11:30, 5 बजे के आसपास सोए थे, 11:30 हो गए। अब बस मेरे एक छोटी सी मीटिंग है उसको अटेंड करके फिर चलते हैं जिम। और जिम से पहले आपको मिलवाते हैं कार्तिक भाई से। चलो, आज गुड़गांव में ना कुछ ऐसा हो रहा है कि डस्टी वेदर है, गाड़ी पे भी इतनी ज्यादा डस्ट आ चुकी है जबकि सुबह अपना बंदा साफ करके गया है, पर सामने भी देखो एकदम हेजी हो रहा है, पूरा डस्टी जैसे स्टॉर्मी वेदर है। लो जी, आ गया अपना बंदा, अपने और आपके सबके कार्तिक भाई। इनको आपने अभी माइल चेजर्स की वीडियो में भी देखा होगा, जिन्होंने उनका सारा काम करवाया है पीपीएफ से लेकर अलॉयस तक। गुड़गांव में ना, मैं सही कह रहा हूँ, कोई भी काम करवाना हो ना गाड़ी का A to Z, ये बंदे को पकड़ना, बोलो तो इसका नंबर मैं डाल भी दूंगा। तो ये है अपने परमानेंट मेंबर, अपनी जिंदगी के परमानेंट मेंबर हैं। अभी जिम चलते हैं, जिम अपना साथ ही है तो जिम मारते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये जी कार्तिक भाई का बीस्ट, इसका भी एक दिन वीडियो आपको दिखाऊंगा, इसमें क्या क्या बना रखा है, क्या क्या लगवा रखा है, केन एंड कुछ कुछ स्टिकर्स तो आपको दिख ही रहे होंगे, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि गाड़ी में क्या क्या हो रखा है। सॉलिड बना रखी है गाड़ी। गाड़ी तो खैर पहले सफारी भी बना रखी थी, सफारी भी ऐसी बना रखी थी कि 300 गाड़ियों में अलग ही चमकती थी अपने ग्रुप की सफारियों में से। बंदा ग्रेट है जो भी बोलो, क्यों जी? जिम आ गया अपना, जिम मारते हैं फटाफट, फिर निकलते हैं घर की तरफ। यार वो लाइट भी ठीक करानी है जो मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी जो बंदा है वो दिल्ली गया हुआ है, तो वो आएगा शाम को, फिर देखते हैं, या वो कल कर देगा, अपना ही बंदा है, कर देगा आगे, ठीक अच्छा है बंदा वो। चलो जी, गाड़ी अपनी पार्क हो गई है, ये अपने कार्तिक भाई की गाड़ी पार्क हो रही है। जिम हो चुका है, चलते हैं घर की तरफ, कुछ खाते हैं फिर थोड़ा काम करते हैं। खाने की तैयारी हो चुकी है, खाना वाना खाते हैं। ओहो, टीवी पहले चला दिया यार। वैसे कुछ भी बोलो, इतनी डाइनिंग टेबल लगा लो, कुछ कर लो, लेकिन जो बेड पे बैठ के खाने का मजा आता है ना, वो बेड का ही है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है उस चीज में। टीवी देखते हुए बेड पे खाना, ओए होए होए। मैंने ना जस्ट रियलाइज किया कि यार लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ अपना नाम और मैं क्या करता हूँ ये सारी चीजें छोटी छोटी तो शेयर करी ही नहीं। सो हो जाती हैं छोटी छोटी गलतियाँ, बिकॉज क्या है ना कि यार नई स्टार्टिंग थी और एक्साइटमेंट भी होता है एक नई चीज़ करने का, तो इन सब चीज़ों में ना ये छोटी छोटी चीज़ें रह गई मुझसे, सॉरी फॉर दैट। सो मेरा नाम रुचिर सचदेवा है और मैं यार जॉब करता हूँ मार्केट रिसर्च में। मैं पहले तो दिल्ली रहता था बहुत सालों से, फिर उसके बाद अब रिसेंटली गुड़गांव शिफ्ट किया है, बिकॉज आप लोगों को सबको पता ही होगा जो लोग इस साइड से हैं दिल्ली या NCR से, कि यार दिल्ली से गुड़गांव जाना और आना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है अपने आप में, खासकर पीक आवर्स में जो कि ऑफिस टाइमिंग्स है। ऑल्दो मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पोस्ट कोविड, बट लाइक स्टिल थोड़ा सा एक ये था कि यार गुड़गांव इज़ बेटर देन यू नो दिल्ली इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग। अगर करनी है दिल्ली टू गुड़गांव तो गुड़गांव आ जाओ, वो बेटर है। तो अभी गुड़गांव में है विथ फैमिली। सो मेरी फैमिली में मेरे मॉम डैड एंड एक जी नवा नवा ब्याह कराया जी, तो उनके साथ भी मिल पाऊँगा आपको। सो अगर हम गाड़ी की बात करें कि गाड़ी से रिलेटेड अगर मेरे को क्या पसंद, सो भैया मुझे सिर्फ SUVs पसंद है पर्टिकुलरली, और आज तक मैंने यार आई एम अ हार्ड कोर सफारी फैन, मतलब हार्ड कोर मतलब एकदम कट्टर वाला फैन, ठीक है। टाटा सफारी जब स्टॉर्म तक जो मॉडल्स आते थे, मैं तब तक की बात कर रहा हूँ टू बी स्पेसिफिक। सो मेरे पास डाइकोर भी रही है, स्टॉर्म भी रही है 4x4, एंड मैंने अभी रिसेंटली उसको सेल करा यार, क्योंकि ना दिल्ली NCR में एक रूल है कि NGT का रूल है कि आप 10 साल के बाद डीजल गाड़ियों को नहीं अप्लाई कर सकते रोड्स पे टू कंट्रोल पोल्यूशन नॉर्म्स। ये रूल कहाँ तक सही है गलत है उसमें मैं नहीं जा रहा, बट ठीक है गवर्नमेंट का अगर रूल है तो है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सो फॉर दैट रीज़न मैंने गाड़ी वो बेच दी, दिल पे इतना पत्थर रख के डिसीजन लेना पड़ा ना, और बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, आज तक भी मुझे रिग्रेट है कि यार क्यों बेची। और अच्छा रिग्रेट एक तो ये तो है कि बेच दी, बट द प्रॉब्लम इज कि टाटा उस गाड़ी को बना नहीं रहे,
तो अब मन में ये भी है कि यार कभी वो गाड़ी दोबारा आएगी भी या नहीं आएगी। सो एनीवेज उस टॉपिक को साइड रखते हैं। अब उसके बाद मैंने क्या लिया है, सो बहुत टाइम तक मैं ये सोचता रहा कि यार सफारी के कंपैरिजन में कौन सी गाड़ी है। ऑल्दो वी हैव ह्यूज वैरायटी ऑफ एसयूवीज एट द मोमेंट, बट एसयूवी सही मायनों में मुझे लैडर ऑन फ्रेम ही समझ में आती है, बॉडी ऑन फ्रेम जो जिसे चेसी को कहते हैं। एंड उसमें बहुत कम ऑप्शंस हैं जो मुझे लगता है कि यार सफारी की हाइट हेल्थ वेट को ये यू नो एक थोड़ा डायमेंशनल अगर हम बात करें तो थोड़ा एक लुक के अकॉर्डिंग ये मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के साथ ऐसा है। सो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था बहुत टाइम से कि यार क्या खरीदा जाए। तो फिर काफ़ी टाइम से मुझे गाड़ी अपील कर रही थी इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी एज वेल। तो मैंने अभी रिसेंटली सुजू वी क्रॉस ली है डी मैक्स 4x4, तो आजकल वो चला रहा हूँ, मज़ा तो आ ही रहा है। लेकिन वो ये कि यार सफारी वाली बात नहीं है, सफारी तो अपना प्यार था ही, बट ठीक है इसुजू इज़ अ गुड व्हीकल ओवरऑल। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बट गाड़ियों के मामले में डिटेल्ड वीडियो मैं एक के बाद एक शुरू करूँगा धीरे धीरे। इवन अपनी सफारी की भी वीडियो जो पहले वाली है मेरी और उससे भी जो पहले वाली है उसकी कुछ फोटोग्राफ्स या वीडियोज मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगा किसी ब्लॉग में। वी क्रॉस की भी इवन के छोटे छोटे जो भी मॉड्स हैं चाहे वो कॉस्मेटिक्स हैं या जो भी है जो भी करवाए हैं वो सब शेयर करूँगा, बट इन द कमिंग ब्लॉग्स। तो जी आने वाले ब्लॉग्स में और इस चैनल में आपको क्या क्या दिखने वाला है और ये किस चीज़ के लिए बनाया है सो मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। मुझे यार गाड़ियों से बहुत प्यार है तो गाड़ियों में मैं छोटे छोटे जो भी काम कराता रहूँगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा दिखाता रहूँगा। ऑफ रोडिंग सेशन्स में मैं जाता रहता हूँ क्योंकि मुझे वो भी एक कीड़ा है गाड़ी को यहाँ से कुदाने का वहाँ चढ़ाने का, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। बाकी अपनी फैमिली तो है ही, फैमिली में जो भी होगा जितनी भी बातें हैं जो भी यू नो मस्तियाँ हैं छोटी छोटी घर की वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँगा। तो प्लीज़ सब बने रहिएगा इस चैनल पे और वीडियो पे, मैं आज ही इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, तो तैयार रहिए सबसे मिलने के लिए। चलो जी मिलवाते हैं फिर आपको अपनी फैमिली से। ये लोग इधर ही कमरे में बैठे हुए हैं सारे टीवी देख रहे हैं, देखते हैं क्या देख रहे हैं और चल क्या रहा है। चलो जी एक तो ये बंदा सीटियां मारना बंद नहीं करता यार, घर में नई बहू बेटियां आई हैं पता नहीं क्या ही है इस बंदे को। हाँ जी क्या हाल चाल है जी, टीवी चल रहा है जी बढ़िया न्यूज। तो ये साक्षी मेरी नई नई वाइफ ये हमारे पिताश्री, ये हमारी माताश्री। यार ये पता है मतलब हद है, आपको यही सब्जियां मिलती हैं टिंडे तोरी कमाल है यार कमाल है। थोड़ी इसकी आवाज धीरे कर दी जाए ताकि हमारी बातचीत पूरी हो सके। यार ये मतलब क्या है इसका टिंडे, नहीं नहीं टिंडे आप कर लो लेकिन टिंडे मत करो ना। ओ यार हद ही मचा दी, क्यों पनीर होता है क्या पसंद है फिर क्या पसंद है फिर? अरे क्या खाओगी वही बना देंगे, क्या खाओगी नूडल्स नूडल्स तो बनाने की क्या जरूरत है, आ भी जाएंगे और बोलोगे तो बना भी देंगे। अच्छा जी तो क्या फिर आज बन रहा है ये सब टिंडे टुंडे बनेंगे कल सवेरे? हाँ लेकिन कटिंग चॉपिंग अभी हो रही है और अभी हाँ। दाल जो सीटी है हमारा ना तो दाल बनती है, दाल आज रात के लिए। कौन सी दाल है? माँ दे छोले छोले दी माँ। चलो जी तो ये हमारा जो है यहाँ पर हमारा जो है शाम को सारा सब लोग जब अपने अपने काम से वापस आते हैं उसके बाद यहाँ पर बैठ करके सबकी मौज मस्ती होती है फन अनलिमिटेड और मिड नाइट तक यहाँ पे धूप धूप करके चलता रहता है। तो यार ये बात तो सही बोली मम्मी ने कि ये रूम हमारा ना महफिल वाला कमरा है, मतलब शाम को है ना मजमा और जो भी कह लो धूम धड़का मस्ती सब इसी कमरे में होती है और आज से नहीं शुरू से है ना। तो क्या होता है कि सब लोग बिजी होते हैं अपने अपने रूटीन वर्क में सुबह से लेके शाम तक,
शाम को सब काम से फ्री होते हैं अपने अपने और इधर बैठते हैं और सब अपने दिन का सब कुछ शेयर करते हैं, मस्तियां मारते हैं और थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं साथ में। यही है यार फैमिली टाइम का मजा। तो हमारा इस कमरे में ज्यादातर फैमिली टाइम निकलता है और फैमिली टाइम ऐसा निकलता है कि पूरी रात, मतलब ये लगा लो 12-1 बजे तक तो हम यहीं होते हैं सब लोग। उसके बाद हमें धक्के पड़ते हैं दोनों को मम्मी पापा से कि यार अब तो चले जाओ, अब तो सोने दो। तो ये होता है। ये है ना मैडम कुछ बनाने लग रही है, तो जरा देखे तो सही क्या बन रहा है। क्या बन रहा है जी? ओए होए, दाल का तड़का, तड़के वाली दाल, क्या बात है। प्याज और टमाटर, ओए होए होए, बन जाएगा है? सही बन जाएगा? ठीक ठाक सही या बहुत बढ़िया? देखो बता दो पहले ही, ताकि मैं इंतजाम अपना पहले से करके रखूं। मेरे को ये नहीं एंड मोमेंट पे जी मैं तो ये बना दी अब खा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक। मम्मी क्या लगता है फिर आपको, हो जाएगा काम, बना लेगी ना? हाँ नहीं, नहीं बनाती है, बहुत बढ़िया बनाएगी और अच्छा ही बनाती है वो। अच्छा हाँ। मतलब फुल सपोर्ट है और क्या, ऐसे होता है सपोर्ट, पूरा बैकअप है, मतलब यूनियन है, यूनियन महिला मंडल यूनियन। चलो जी हमारे घर की महिला मंडल यूनियन है। कोई नहीं कोई नहीं, क्या बात है, अच्छा करती है। नहीं नहीं बहुत अच्छा करती है। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं बहुत, अभी तक भी हमसे आता ही है मुझे। ये बात तो फैक्ट है वैसे, इसमें तो मैं भी देखो सपोर्ट करूंगा आपकी बात को कि सपोर्ट कर ले तो अच्छी तरह से। 30 साल तक यही खिलाया हमने ना। देखो 30 साल खिलाया तो है, जिसमें 15 साल तो मान लो मेरा बचपन ही था। ओ, हो, हो, तो उसमें नहीं, वो पालक पनीर वाली बता दो जरा कहानी। तो मैं इसको बताई रहती हूँ, सरसों का साग जब बनता था ना, मैं उसको उसमें पनीर के पीसेस वो करके और उसको बना करके और स्कूल में भेज देती थी और उसको कहती थी रुचि रही है ना, वो पालक पनीर है तो ले लेना। बड़े शौक से पालक साग के अंदर पनीर, साग में पनीर के पीसेस डाल। और जी मैं बचपन में इतना पागल था, स्कूल में तो वो किसने कहा उसने क्या लाया पालक पनीर, और उसने घर में टेस्ट किया तो वो बोलता है उसने बता दिया मेरे को ये पालक नहीं है सरसों का साग है, और मैं इतने टाइम से खा रहा हूँ। और आहा हा हा, मम्मी क्या बढ़िया बना दिया है। उस दिन से वो पागल ना है बचपन से, आज तक पालक पनीर नहीं खाया और सरसों का साग भी। बहुत हो गया मुझे, मैंने कहा पागल बनाते हैं मेरे घर वाले, हद ही होगी मतलब यार। मेरी शराफत का ना नजायज फायदा उठाया गया है, ये मैं बता दूं आपको, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ यार। तो जी डिनर शिनर हो चुका है, खाना वाना अच्छे से खा लिया है, दाल रोटी, दाल रोटी खाए जाओ, प्रभु के गुण गाए जाओ, ये हमारा मोटिव है ना। तो जी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। और यार अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज गिव इट अ लाइक, और अपने जो भी फीडबैक्स हैं कमेंट्स में प्लीज दे देना, ताकि हमें देख के समझ में आए कि और क्या इम्प्रूवमेंट्स करने का स्कोप है। सही कह रहा हूँ दीदी, पसंद नहीं भी आए तो भी आप लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। लो जी मम्मी ने बोल दिया तो थोड़ा सा बात रख लेना, ठीक है जी। बाकी तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और तब तक के लिए देखते रहिए फॉर अ चेंज। चलो बाय 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 बाय।